चलो स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स की बात करते तो हमने अभी बोला क्या, प्लांट में कितनी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, दो, एक वाटर और दूसरा क्या फूड, एक वाटर और दूसरा क्या फूड, ठीक है ना। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, और फ्रूट फूड कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम, ठीक है ना। जाइलम के अपने आप में कितने पार्ट होते हैं, चार, ट्रैकीज, वेसल, जाइलम पैरेन्थाइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, चार, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, तो ये सी सेल्स में पड़ेगा। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है ना। अब जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स। फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। अब मूवमेंट की बात करें तो जाइलम में मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड, यानी कि नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा पानी, और यूनिडायरेक्शनल देगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। और अगर फ्लोएम में यही कहानी की बात करें तो हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, साइडवेज होगा, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो रूट लीव से बाकी सारे पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। जाइलम के सारे की सारे पार्ट्स डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम के सारे की सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम के सारे की सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। क्यों कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं रहती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि आप एनर्जी यूज नहीं करते हो। और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब बात करें प्रेशर थ्योरी की, रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सॉइल में ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है बेटा, पानी। येलो कलर की क्या है, हमारी रूट्स। और ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, ये क्या है, आयन से, क्या है, आयन, ठीक है। अब होता क्या है, पहले प्लांट अपने ऊपर जो प्लांट की रूट रहती है, और रूट में कौन प्रेजेंट रहते हैं, रूट हेयर रहते हैं। रूट हेयर्स एक्टिवली टेक अप आयंस। रूट हेयर क्या करते हैं, आयंस एक्टिवली टेक अप करते हैं, मतलब जो रूट हेयर रहेगी उस पे सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयन, अलग अलग सॉल्ट के क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, जिस वजह से रूट हेयर पे आयंस होंगे लेकिन पानी नहीं होगा। यानी कि रूट हेयर पे आयन तो है लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए, उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए सॉइल से पानी कहाँ जाएगा, रूट हेयर में जाएगा, और सॉइल से जब पानी कहाँ जाएगा, रूट हेयर में जाएगा, तो वो पानी क्या करेगा, सारे आयंस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। ये वो तरीका होता है जिससे जो पानी है वो सॉइल से कहाँ जाता है, रूट्स। यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी या डिफ्यूजन थ्योरी सिर्फ क्या एक्सप्लेन करती है कि सॉइल से रूट तक पानी कैसे जाएगा, रूट से अपर पार्ट तक पानी कैसे जाएगा ये नहीं बताता। रूट से पानी, सॉरी, सॉइल से पानी रूट पर कैसे जाएगा, पहले रूट्स क्या करेगी, एक्टिवली आयंस लेगी, आयंस जो रहेंगे वो रूट हेयर पे आ जाएंगे, जिस वजह से रूट हेयर पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। इसलिए फॉलोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी जो सॉइल में ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा, रूट हेयर में, जहां वो कम है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट हेयर क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट होते हैं। रूट हेयर एक्टिवली टेक अप आयंस ऑन देयर सरफेस, दिस क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड द रूट, कॉजिंग वाटर टू मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बोलो कोई परेशानी। नहीं। 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 नहीं।
को हम लोग पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब सुनो, यहाँ तक की कौन सी स्टोरी है कि प्लांट में रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पानी, सॉरी सॉइल से रूट तक पानी कैसे आ गया? अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स में आ गया पानी। अब बहुत सारे प्लांट होते हैं 140 मीटर्स टॉल, 150 मीटर्स टॉल, इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे जाता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे जाता है अगेंस्ट द सोर्स ऑफ ग्रेविटी? इसके लिए बहुत बेसिक सी कहानी है। मैंने तनिषा को हमारे घर के सेकंड फ्लोर पे खड़ा कर दिया, ठीक है, इसको बहुत पतली स्ट्रॉ दे दी और ग्राउंड फ्लोर पे क्या रखा, एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखा, ठीक है ना। अब मैंने तनिषा को बोला कि तनिषा बेटा क्या करना है, पानी ऊपर खींचना है, देखो कोल्ड ड्रिंक इसी तरीके से सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक पीनी है, क्या तनिषा पी पाएगी? इसी चीज को हम लोग, तनिषा अगर सेकंड फ्लोर पे हो या 20वें फ्लोर पे हो, पानी तो ऊपर चला जाएगा, और एक बार पानी का फ्लो यानी कि पानी का पुल सेट हो गया, एक बार क्या हुआ, पानी का पुल सेट हो गया, फिर कंटिन्यूअसली प्लांट के पास क्या रहेगा, तनिषा के पास क्या आता रहेगा, पानी आता रहेगा। तो पॉइंट क्या है, जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, वैसे क्या होगा, प्लांट भी वैसे ही पानी पीता है। प्लांट में स्ट्रॉ का रोल कौन प्ले करता है? जाइलम। कौन प्ले करता है? जाइलम। जाइलम के अंदर ट्राकीज होते हैं, ट्रैकीज जो रहते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहते हैं, जैसे वो क्या हो, वर्टिकल पाइप हो, ठीक है ना। अब प्लांट के अंदर जैसे तनीषा तो कोल्ड ड्रिंक को सक करेगी, ऊपर हवा खींचेगी, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कोल्ड ड्रिंक है, ये पानी है। अब यहाँ पर एयर है, जब हम लोग एयर यहाँ से ऊपर सक करेंगे तो यहाँ की एयर उसकी जगह लेने आ जाएगी, फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये जो पिंक वाला पानी ये कहाँ आ जाएगा, वैक्यूम की जगह ऑक्यूपाई करने के लिए आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी जगह पर क्या क्रिएट करते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो, जब भी आप किसी जगह पर क्या करते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो, तो वो जो वैक्यूम है उसकी स्पेस लेने को कौन आ जाता है, नीचे की एयर या नीचे का पानी। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कि हम लोग एयर को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, सक करते हैं, हम लोग एयर को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ सक करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को सक करके एक जगह पे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो नीचे की एयर आ रही है उसको फिल करने के लिए, तो नीचे वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, उसके नीचे की एयर आ रही है उसको क्या करने के लिए, फिल करने के लिए, फिर नीचे वैक्यूम। तो जैसे जैसे पानी आता जाएगा तो वैक्यूम की जगह पे कौन आता जाएगा, पानी आता जाएगा। आ रही है बात समझ में? प्लांट में ये एयर को सक करने का काम कौन करता है, स्टोमेटा। कौन करता है? स्टोमेटा। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन लीफ की जो वेन्स होती है, लीफ की जो वेन्स जिसमें जाइलम टिश्यू होता है, वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जब स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, तो यहाँ का पानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, होते इस वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ का पानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते 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 एक सक्शन पुल, एक खिंचाव डेवलप हो जाएगा। पुल मतलब क्या होता है, खिंचाव, जो नीचे रूट से पानी को कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। इस थियोरी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप या फिर सक्शन पुल। क्या ये कहानी समझ में आई? अब ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर यानी कि ट्रांसपीरेशन को अपन ने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। बहुत ध्यान से समझना, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। अब सुनो, जो स्टार्च होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीफ में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, लीफ में। अब लीफ में से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लोएम टिश्यू में लाना रहता है। अब अभी तक हम लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सारा था कैसा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब उसमें एनर्जी नहीं लग रही थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये जो फूड है ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो अपने आप उठ के चला जाता है क्या, नहीं, ऑस्मोसिस सिर्फ कहाँ होता है, लिक्विड में। ऑस्मोसिस सिर्फ कहाँ होता है, लिक्विड में। तो फूड को फ्लोएम टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, फूड को फ्लोएम टिश्यू तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को एनर्जी यूज करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आ रही बात समझ में, एनर्जी यूज करनी पड़ती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जो सैप क्रिएट करते हैं, सैप मतलब सैप बनता है कहाँ में, प्लांट में। सैप क्या होता है, जो भी आपका स्टार्च है या सुक्रोज है प्लस वाटर। तो अब ये कौन से फॉर्म में आ जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में। अब अगर देखा जाए तो लीफ में क्या है, सैप है, और जो फ्लोएम का ट्यूब है वो क्या है, खाली है। लेकिन इसको मूव करना बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए क्या यूज होगी, एनर्जी। इसलिए क्या यूज होगी, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी किस चीज के लिए यूज होती है, टू ट्रांसपोर्ट सैप फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम टिश्यू। टू ट्रांसपोर्ट सैप फ्रॉम लीफ टू फ्लोएम टिश्यू। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट होती है, इसलिए इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एक बार ये फ्लोएम में पहुंच गई, एक बार ये फ्लोएम में पहुंच गई, तो फिर फ्लोएम में ये ज्यादा है, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में क्या है, ये कम है। फिर तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जहां ज्यादा है वहां से ये कहाँ चली जाएगी, जहां ये कम है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। आया समझ में, जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ नहीं आ रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, लिक्विड जहां ज्यादा होता है वहां से वो कहाँ मूव करता है, जहां वो कम होता है। अब देखा जाए तो लिक्विड और सॉलिड मिक्स है, कहाँ पर, लीफ में, और फ्लोएम में तो कुछ साइन। तो यहाँ पर अपने आप तो लिक्विड मूव नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो सैप के फॉर्म में, उसमें सॉलिड भी है। तो इसको बोलते हैं, हम जो चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे चल रहे हैं, अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सॉलिड जहां पर है और लिक्विड जहां पर है। तो लिक्विड किसके पास जाता है, नॉर्मली सॉलिड के पास। अरे बात समझ में, पर ये दोनों चीजें साथ में मूव करेगी तो कैसे मूव करेगी, किसी खाली जगह पे, अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो एनर्जी यूज होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो किस काम के लिए यूज होती है, टू मूव फूड फ्रॉम लीव्स टू द फ्लोएम टिश्यू, अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर?